जिनके जीवन में आनंद के फूल खिल चुके हैं उनको कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है, मस्त रहिए घर में। जिनके जीवन में समस्याएं अभी भी बची हैं, ऊपर से चकाचक भीतर सफाचट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे हैं, जो ऊपर से तो एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराते हैं पर भीतर दुख भरा हुआ है। जगजीत सिंह के गजल की तरह, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। ऊपर की मुस्कुराहटें हैं पर भीतर में खलबली मची हुई है। कथा धर्म गुरु शास्त्र की जरूरत सिर्फ उनको है। और जिनके जीवन में आनंद है, प्रेम है, मस्ती है, स्वस्ती है, वो कहे को यहां 3 घंटा बर्बाद करोगे बिना मतलब, इतने में पता नहीं कुछ और कर लो जाकर उधर। इसलिए कुएं के पास वही आए जिसको प्यास लगी हो। कुएं का पूजा हो रहा है इसलिए व्यवहार निभाने आए हैं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भी टाइम खोटा, कुएं का भी टाइम खोटा, और सचमुच जो पीने वाला होगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे कारण। इसलिए कथा का पांडाल उनके लिए है जिनको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ मुझे प्राप्त करना था अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। भाई मेरी आवाज लौट के फिर दोबारा मेरे पास आ रही है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यहां पहले से लोग आ गए थे तभी मैं समझ गया था कि हमारा इस बार बंटाधार होगा। बेचारा सुनील पे हम सब छोड़ दिए होते तो ठीक ठाक कर दिया होता। देखिए बुद्धि जब बहुतों को फॉलो करती है, पतिव्रता स्त्री और कुलक्षणी स्त्री में क्या अंतर है? पतिव्रता का अर्थ है एक पति के प्रति जिसका समर्पण है, राग है, रंग है, दर्शन है, प्रणाम है, मज्जन है। और बहुपति का अर्थ होता है जो क्षण क्षण बदलती है। यह सिर्फ स्त्रियों के साथ नहीं है, पुरुषों में भी है। धर्म जब बात करता है तो लिंग की बात नहीं करता, स्त्री पुरुष इसकी उसकी, धर्म आत्मा की बात करता है। अलक्ष लिंगो, लिंग विहीन बात करता है। फिर नारी है, पुरुष है, बच्चा है, ये ना ना ना, तुम भगवान की कृति हो, मनुष्य के रूप में तुमको भेजा है परमात्मा ने। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये बज रहा है, ये सामने जो लगा है बज रहा है? अच्छा, बड़ा शर्मीला है बेचारा, सुनाई नहीं पड़ता मेरे को।